मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बोले प्रेमचंद्र गुड्डू, कहा यह चुनाव विकास का नहीं, यह चुनाव है गद्दारी का। प्रेमचंद्र गुड्डू ने कहा, सांवेर की जनता का कहना हमको सरकार को सिखाना है सबक, जनता तुलसी सिलावट को सिखाएगी सबक। एक समय तुलसी सिलावट के पास नहीं रहते थे 21 रुपए, तिलक लगाने पर थाली में देने के लिए नहीं होते थे पैसे। तुलसी सिलावट के पास कहां से आया इतना पैसा, आज साड़ियां, घड़े और शराब के साथ 200 और 500 के नोट बांट रहे हैं तुलसी सिलावट। 5-स्टार होटल में रोज हो रही है पार्टी। सिंधिया के सरकार को सड़क पर लाने वाली बात पर गुड्डू ने किया पलटवार, कहा अगर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया तो चौराहे पर हो जाएगा फैसला। मध्य प्रदेश में आखिरकार चुनाव जल्दी होने वाले हैं और आखिरकार तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी। उसी के चलते आज हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेमचंद गुड्डू जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके के माहौल अभी जनता में है, जनता की क्या मांगे हैं। सर, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, अगर देखा जाए तो जनता की क्या विशेष मांगे हैं कि अभी उनको किस तरीके का विकास सांवेर में चाहिए? ये चुनाव विकास का है ही नहीं, ये चुनाव है गद्दारी का। अब लोग सीधी बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं संपर्क में, अब लास्ट मोमेंट पर बचा है, तो ये बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। हमको बोल रहे हैं इस गद्दार को सबक सिखाना है जिसने हमारे साथ धोखा किया है। जो कमलनाथ जी हमको 2 लाख रुपए खर्चा जून तक माफ हो जाना था, जो नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता चालू हो जाना था, वो सब नहीं मिला है। अब तो इसको हम सबक सिखाना है, सिर्फ सबक सिखाना तुलसी सिलावट को, यही मुद्दा है। जैसे कि आपने अब ये मुद्दा बोला कि तुलसी सिलावट जी को सबक सिखाना है, लेकिन अब ये मुद्दा जैसे कि अगर बीजेपी से बात की जाए तो उनका कहना है कि जब तुलसी सिलावट जी कांग्रेस में रहते थे और कमलनाथ जी के पास में विकास के मुद्दे लेके जाते थे, तब कमलनाथ जी उन्हें भगा दिया करते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे। इस तरीके का बयान भी कल शिवराज जी ने भी कहा है, साथ में ज्योतिराज सिंधिया ने भी कहा है। ये दोनों गंवार नेता है, अकलहीन है, सबको दिख रहा है कि कितने करोड़ रुपए देके जिस आदमी के पास तिलक निकालते थे तो 21 रुपये देने को नहीं होता था थाली में, आज 5-स्टार होटलों में रोज यहाँ की पार्टी हो रही है। स्क्वाज से लेके देसी ठटरा तक सैकड़ों ट्रक चल रहे हैं, कहाँ से पैसा आया है? साड़ियाँ बांट रहे हैं, घड़े बांट रहे हैं, रोज दारू के साथ 200 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, क्या हो रहा है? ये कहाँ से आ गया पैसा अचानक तुलसी सिलावट के पास? तो ये सब इधर उधर की बातें हैं, इनके पास मुद्दे बचे नहीं हैं, इसलिए ये अनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। लगातार शिवराज जी कहते हैं कि कमलनाथ जी हमेशा रोते रहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मैं कैसे विकास करूं, कैसे योजनाएं लाऊं, कैसे किसानों का कर्ज माफी करूं। उन्होंने कल एक बड़ा बयान दिया है कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास पैसा ही पैसा है, किसानों के लिए जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है फिर? मैं यही पूछ रहा हूँ शिवराज सिंह से। शिवराज सिंह ये बताए कि 40,000 रुपये हेक्टर का सोयाबीन की राशि देने की मांग की थी कमलनाथ जी से, आज क्यों नहीं, आप मुख्यमंत्री बन गए वो क्यों नहीं दे रहे? बहुत सारा पैसा है आपका, तो किसानों की इस बार भी फसल नुकसान हुआ, क्यों नहीं दे रहे, दें पैसा। जैसे कि सिंधिया जी भी कहते हैं कि मुझे चुनौती दी गई थी, मेरी मांगों को नहीं मांगा गया जो मैंने जनता के हित में रखा था, मध्य प्रदेश के हित में रखा था। ये कई तरीके के मुद्दे आ रहे हैं। अब जो सिंधिया जी हैं उनका एक बयान भी सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि घमंडी सरकार थी कमलनाथ जी की जिनको मैंने रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब रोड पे लाके खड़ा कर दिया है तो चौराहे पे फैसला हो जाएगा। ये बात सही है कि मतलब जो बीजेपी है, जो विधायक उनके साथ में ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ में जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उनका कहना है कि जो भी कांग्रेस की सरकार बनी थी अभी वो सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया जी के चेहरे से बनी थी, इसके अलावा कांग्रेस का और कोई चेहरा नहीं है। अभी 3 तारीख को मतदान होगा, मालूम पड़ जाएगा इनके चेहरे पे कितनी, एक सीट भी वहाँ जिताने की स्थिति में नहीं है। गवले चंबल संभाग में एक सीट नहीं जीत रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कि बात की जाए वचन, आप भी जा रहे हैं, जनसंपर्क हो रहा है, वो भी उन्होंने भी संकल्प पत्र जारी करा है, आपने भी वचन पत्र जारी करा है, क्या लगता है कि जनता संकल्प पत्र और वचन पत्र को देखेगी या फिर जिन वोटों को कांग्रेस के चेहरे से, कांग्रेस के नाम से तुलसी सिलावट जी को दिया था तो वो कांग्रेस के चेहरे को ही देख कर वापिस आपको वोट देंगी? तुलसी सिलावट है क्या? क्या तुलसी सिलावट तो कुछ है ही नहीं, और उसको देख के, चेहरा देख के वोट मिल सकते हैं क्या?
तुलसी सिलावट का चेहरा देख के एक आध फोटोग्राफ उनका कर दीजिए, एक मेरा डाल दीजिए, देख लेते हम, और फेसबुक पे कर लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, तो अंदाज हो जाएगा। लेकिन तुलसी सिलावट जी का कहना है कि जनसंपर्क जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के मुकाबले उनका जनसंपर्क ज्यादा है और आपका जनसंपर्क बहुत कम है। हाँ, हो सकता है उनका सोच है। अच्छा।